राजस्थान के बीकानेर में भारत ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 22 का आज आखिरी दिन है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में दोनों देशों की सेनाओं ने युद्ध अभ्यास में दमखम दिखाया। अभ्यास के दौरान शनिवार को आतंकवादियों के कब्जे से गांव को मुक्त करवाने का ऑपरेशन चलाया, जिसके तहत गांव वालों को सुरक्षित बचाने का अभ्यास किया गया। मिशन को पूरा करने के लिए तरह तरह के हथियारों और ड्रोन की भी मदद ली गई। डॉग स्क्वाड को भी शामिल किया गया। दोनों सेनाओं के जवानों ने एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। हमारी टेक्निक्स हैं, हम भारतीय आर्मी को सिखा रहे हैं, जो भारतीय सेना है वो अपनी टेक्निक्स सिखा रही है, और जो हमारे बीच में जो तालमेल है बहुत अच्छा बैठा हुआ है। बता दें कि संयुक्त अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की 2nd डिवीजन के 60 सैनिक और भारत की डोगरा रेजिमेंट के 60 जवानों ने युद्ध अभ्यास किया। आधुनिक तकनीक और हथियारों के साथ दोनों देशों के सैनिकों ने एकीकृत प्रणाली के तहत एक दूसरे की तकनीक, युद्ध की प्रक्रियाओं, अनुभव और प्रशिक्षण को साझा किया। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। वाराणसी में केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बाबा विश्वनाथ के धाम में आम भक्त की तरह हाजिरी लगाई। वो नंगे पैर बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे और बाबा विश्वनाथ की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। हाथ में जल का कलश लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर पैदल बनारस की गलियों से होते हुए बाबा के दरबार में पहुंचे। विदेश मंत्री ने दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती में भी शामिल हुए और मां गंगा की विधि विधान के साथ पूजा आरती की। इस दौरान विदेश मंत्री पूरी तरह से भक्ति भाव में सराबोर नजर आए।